चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर मैथ 9.4। सबसे पहले इसके फार्मूले हम देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। और फिर हम देखते हैं कि साइन थीटा 1 और कोसेकेंट थीटा यानी एक दूसरे के उलट होते हैं। कॉस थीटा 1 और सीकेंट थीटा, टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा, और कॉट थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा और साइन थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट, इन इनको प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हमारे पास है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा और साइन। अब दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, क्या आता है कॉस थीटा और साइन थीटा। तो अब कॉस से कॉस कैंसिल, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, ये फार्मूला हमारे पास है। अब 1 इनको अलग अलग लिख दिया, 1 ओवर कॉस थीटा, 1 ओवर साइन थीटा। अब 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है सेकेंट थीटा के, 1 ओवर साइन को सेकेंट। अब इसको तरतीब से लिख दिया जैसे राइट हैंड साइड है, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेकेंट थीटा पहले और सेकेंट थीटा बाद में। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है secant theta cosecant theta sin theta cos theta equal to 1। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं secant theta cosecant theta, और अब यहाँ पे sin theta किसके इक्वल होता है 1 ओवर cosecant के, cos theta 1 ओवर secant के। तो cosecant से cosecant कैंसिल, secant से secant कैंसिल, तो क्या आता है 1। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है cos theta plus tan theta sin theta equal to secant। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं cos theta, वैसे का वैसे tan थीटा किसके इक्वल होता है sin थीटा और cos थीटा के, sin थीटा वैसे का वैसे। अब sin को sin से मल्टीप्लाई किया इस टर्म में, तो क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा वैसे का वैसे। अब इसके एलसीएम क्या आ रहा है cos थीटा, तो cos को cos से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा, cos से cos कैंसिल, तो ये sin स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू secant थीटा। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, कोसेकेंट थीटा प्लस टेन थीटा सेकेंट थीटा इक्वल टू कोसेकेंट थीटा सेकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें हमारे पास है सेकेंट कोसेकेंट थीटा प्लस टेन थीटा सेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर sin थीटा के, टेन थीटा किसके इक्वल होता है sin थीटा और cos थीटा के, सेकेंट थीटा 1 ओवर cos थीटा के। अब दोनों का हमारे पास ये कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके एलसीएम क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आता है साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा कोसेकेंट थीटा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant square theta। ये हमारे पास है कि राइट हैंड साइड से cosecant theta secant square theta। तो अब हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इससे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।